गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मायसेल्फ श्रीमती सुजाता साहू, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल डोंगरगढ़। टुडेज माय सब्जेक्ट इज अगेन इंग्लिश ग्रामर, एंड इन दिस इंग्लिश ग्रामर टुडेज माय टॉपिक इज यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। मोस्टली वी नो व्हेन वी डू आवर वर्क विथ आर्टिकल and we have to fill this article before any word or sentence, we get confused which article we must use. तो इसको use करने के पहले हमको कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। यदि हम उन नियमों को, उन rules को सीख गए तो हम आसानी से इस शब्द का उपयोग करना सीख सकते हैं। मैंने ये अपने स्कूल के बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए ये वीडियो बनाया है। मैं चाहती हूँ कि हर माध्यम का बच्चा इसका फायदा उठाए, इसलिए मैं अधिक से अधिक हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगी। तो टुडेज माय टॉपिक इज यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखें, परिभाषा को देखें। तो आर्टिकल की भी परिभाषा होती है, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में बताता है या उसको रूपांतरित करता है। इन हिंदी इट इज नोन एज उपपद। हिंदी में ये उपपद के नाम से जाना जाता है। यहाँ इससे, इसके अर्थ से, इस शब्द के से ही ये समझ में आता है कि उपपद का अर्थ क्या है। उपपद, पद यानी शब्द, और शब्द के पहले लगने वाला शब्द उपपद कहलाता है। तो इंग्लिश में इसे हम आर्टिकल कहते हैं और हिंदी में ये उपपद के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल्स आर थ्री, आर्टिकल्स तीन है, बट इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ये तीन है लेकिन इनको आगे दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहले भाग में ए और एन, पहले भाग में ए और एन, और दूसरे भाग में द। अब हम पहले ए और एन के नियमों को समझ लेते हैं। ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स अनिश्चितता लिए हुए उपपद, जिस जो कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाता है, यूज फॉर और विथ कॉमन नाउन। ए और एन जो है अधिकतर कॉमन नाउन के साथ यूज होता है। कॉमन नाउन मीन्स ये जाति को बोध करता है, तो किसी एक विशेष के लिए नहीं है। अगर हम किसी एक के साथ भी लगा रहे हैं तो वो पूरी जाति को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलॉयन, अलॉयन तो ये जो लायन जाति को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से आगे इट इज यूज्ड बिफोर ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का उपयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने होता है। सिंगुलर यानी एकवचन, और काउंटेबल नाउन मीन्स जो गिनी जा सकती है। तो ऐसी गिनी जा सकने वाली संज्ञा शब्द के सामने ही ए और एन का प्रयोग होता है। दूसरी चीज इसमें हमको ये ध्यान रखना है, ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट्स स्टार्टिंग लेटर। हम पहले ये जो नियम है इसको तो हम जानते हैं कि ए का उपयोग व्यंजन से शुरू होने वाले अक्षर के सामने लिखा जाता है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, अ कार, अ कार, तो सी ए आर कार, एंड सी इज द कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर उच्चारण भी सी का निकाल रहा है और सामने लिखा भी है सी। तो ये जो है व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर अ कार इसको कहेंगे। दूसरा है एन, एन इज यूज्ड विथ वोवल स्टार्टिंग लेटर। एन का प्रयोग जो है ऐसे शब्द के साथ होता है जिस शब्द का पहला वर्ण स्वर हो। तो यहाँ पर देखिए एप्पल है, ए डबल पी एल ई एप्पल, हम बोल भी रहे हैं और इसकी ध्वनि भी स्वर से ही निकल रही है और यहाँ पर लिखा भी है स्वर। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ बिना झिझक के एन का प्रयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एन कार, तो सॉरी एन एप्पल। तो इस तरीके से हम इनके लेटर्स को देख के ए एन और एन का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, नाउ बी केयरफुल हियर। अब जब अगले नियम को हम फॉलो करते हैं, लागू करते हैं, तो उसमें हमको थोड़ा ध्यान देना है। ये जो नियम है, इफ वर्ड्स फर्स्ट लेटर इज वोवेल, यदि शब्द का पहला वर्ण स्वर है, यदि शब्द का पहला वर्ण स्वर है एंड साउंड्स कॉन्सोनेंट, और वो व्यंजन की ध्वनि अगर उसमें निकल रही है, तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ यूरोपियन, तो यहाँ पर देखिए ई साइलेंट हो गया है, ई का उच्चारण नहीं निकल लग रहा है, यहाँ पर यू का उपयोग हो रहा है, और अंग्रेजी प्रोनंसिएशन में यो करके होता है यूरोपियन, तो यू मीन्स वाई का, इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से देखें तो वाई का यहाँ पर ध्वनि निकलता है, और वाई जो है कॉन्सोनेंट है इंग्लिश ग्रामर में, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ यदि शब्द में व्यंजन की ध्वनि निकल रही है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्वनि को हमको ध्यान देना है। उसी प्रकार एंड इफ कॉन्सोनेंट एंड साउंड्स वोवेल, अगर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है और स्वर की ध्वनि निकल रही है, देन पुट एन। तो अगर कॉन्सोनेंट है और स्वर की ध्वनि निकल रही है, तो हम वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल एन एम एल ए, एन एम एल ए, यहाँ पर दो मिश्रित वर्ण हैं, ए और एम का ध्वनि यहाँ पर सुनाई दे रही है, तो पहले ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्वर आर्टिकल का, स्वर में लगने वाले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे एन, तो एन एम एल ए। तो इस तरीके से सामने जो शब्द है, वर्ण है, उसकी कौन सी ध्वनि निकल रही है, उसके अनुसार हमको ए और एन का प्रयोग करना है। तो ये चार चीजें अगर हम ए एन में ध्यान रखते हैं, तो हम आसानी से इनका उपयोग करना सीख सकते हैं। इसमें एक चीज और है, ऑल्सो यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन विथ एडजेक्टिव्स। ये ए और एन जो है एडजेक्टिव्स के साथ भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए व्हाट अ सरप्राइज, एग्जाम्पल के लिए देखिए व्हाट अ सरप्राइज, तो एकदम व्हाट अ सरप्राइज, एकदम अचंभित, अरे। तो इस तरीके जब सस्पेंस वाला सेंटेंस होता है और उसमें एडजेक्टिव है, तो ए का प्रयोग होता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, इनडेफिनिट आर्टिकल में प्लूरल नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। आइए अब द का प्रयोग देखते हैं। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल एक निश्चित उपपद को दर्शाता है। ये यूज्ड विथ स्पेसिफिक एंड प्रॉपर नाउन्स, स्पेसिफिक मीन्स विशिष्टता लिए हुए, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ द का प्रयोग होता है। अगली जो नियम है जो ध्यान में रखना है हमको, यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इफ ऑलरेडी मेंशन। तो देखिए यहाँ पर ये एकवचन और बहुवचन वाले संज्ञा शब्दों के साथ, दोनों के साथ यूज होता है, और वाक्य में यदि यूज कर रहे हैं, तो हम पहले से ही यदि उस चीज को जानते हैं, तो उसके लिए आगे द का प्रयोग उस वाक्य में भी हम कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन ए एन जो है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होता है, ये हमको दोनों में ध्यान देना है। फिर आगे व्हेन, यहाँ पर देखिए मैं अब द और दी का उच्चारण जो है कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है, उसके लिए मैं बता रही हूँ।
When words first letter sounds vowel. जब शब्द का पहला वर्ण स्वर से उच्चारित हो, स्वर की ध्वनि निकल रही हो और कोई शब्द के साथ लगा है तो उसमें हम द का उच्चारण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। देखिए यहाँ पर अर्थ बोल रहे हैं, ई साइलेंट है लेकिन ई और ए दोनों स्वर हैं, अ भी बोल रहे हैं तो भी स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर स्वर का उच्चारण हो रहा है तो हम यहाँ पर टी एच ई को द का उच्चारण यहाँ पर करेंगे। तो जब हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे ऐसे वोवल्स वाले तो द अर्थ इज राउंड इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। जब व्यंजन की ध्वनि निकल रही हो, कोई शब्द है और संज्ञा शब्द है उसके सामने जब टी एच ई लगा है तो हम उस संज्ञा शब्द को ध्यान देंगे, उसका पहला वर्ण जो है स्वर है तो हम डी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे दी स्काई इज ब्लू, दी स्काई इज ब्लू, तो ये जब हम रीडिंग करते हैं लेसन तो उस समय हमको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो स्वर की ध्वनि निकल रही हो तो द का प्रयोग होगा और व्यंजन की ध्वनि निकल रही हो तो दी का प्रयोग होगा। और भी जो अन्य चीजें हैं जहां पर द का उपयोग होता है वो है द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। द जो है एडजेक्टिव के तीसरे रूप, तीसरा जो स्तर होता है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें भी ये यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे द ओल्डेस्ट मैन, तो इस तरीके से ओल्ड का तीसरा रूप है ओल्डेस्ट और हम वहां पर जब ओल्डेस्ट मैन बोलेंगे तो उसके सामने द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से द बिगेस्ट बॉल, द स्मॉलेस्ट ट्री, इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री के सामने द का प्रयोग होगा। अब उसके आगे देखिए यहाँ पर ऑल्सो यूज विथ मोर देन 15 टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स, और इस इनके अलावा 15 प्रकार के और भी जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। फिर अब यहाँ पर देखिए 15 प्रकार के नामों को यदि मैं बताऊं तो उसकी बहुत लंबी लाइन है। मेन कुछ जो शब्द हैं उनको मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ देखिए यूनिक थिंग्स, जो अपने आप में अकेला है और विशिष्टता लिए हुए है, विशेष महत्व का है, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, इस प्रकार से जो ब्रह्मांडीय शब्द हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गए, डायरेक्शंस हो गए, दिशा के लिए, नदियों के लिए, महासागरों के लिए, बैंक के नाम हैं उनके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, समुद्रों के लिए, रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं उनके लिए, ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स मीन्स क्रमवार जो रहता है पहला दूसरा, तो इसके साथ भी द का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम अन्य कई सारे प्रॉपर नाउन्स के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक टिप मैं बताना चाहूंगी, आर्टिकल्स आर कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स जो हैं तीन हैं, ए एंड द, और यहाँ पर हमको ये हमको बताया गया है कि ये आर्टिकल्स जो है एक प्रकार की विशेषण है जो टेक्निकली एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को ये जो मेन पॉइंट्स है वो समझा सकते हैं और बच्चे आसानी से समझकर इनका उपयोग करना सीख सकते हैं। अंत में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, एक
और जो जानकारी है जीरो आर्टिकल, हमने जीरो आर्टिकल का नाम नहीं सुना था, लेकिन मैंने जब इसका शोध किया है तो ये पता चला जीरो आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नेम्स। तो जीरो आर्टिकल मीन्स जो ए एन द है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने यूज नहीं होता, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तो ये तरल पदार्थ जैसे हो गया जिनको हम गिन नहीं सकते उनके सामने ए एन द का प्रयोग नहीं होता। स्पोर्ट्स या गेम्स वाले शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं उसमें भी द का उपयोग नहीं होता। नेम ऑफ लैंग्वेज भाषा के साथ में दिनों, महीनों और ऋतुओं के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता। तो इस तरीके से हम आर्टिकल को यूज करते समय यदि हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को, इनके नियमों को ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से इनका प्रयोग करना सीख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।